सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हे स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ लीफ। फर्स्ट वन इज फोलियर, फोलियर लीफ जो है वो क्या है कि जो नॉर्मल लीफ जिसके बारे में हम बात करते हैं कि जो नॉर्मल ग्रीन लीफ जो है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है उसे फोलियर लीफ कहा जाता है। दिस इज ग्रीन इन कलर एंड हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। दिस टाइप ऑफ लीफ इज कॉल्ड फोलियर लीफ। द सेकेंड वन इज प्रोफिलस। प्रोफिलस लीफ इज द फर्स्ट लीफ विच अराइज फ्रॉम द प्लिम्यूल। प्लिम्यूल एम्ब्रियो का वो पार्ट होता है जहाँ से शूट सिस्टम निकलता है। आपने 10th क्लास में एम्ब्रियो जो सीड जर्मिनेशन वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, उसमें देखा था कि जो एम्ब्रियो के दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट जो अबो पार्ट जब ग्राउंड की तरफ जो अबो की तरफ निकलता है वो प्लिम्यूल से ही जो शूट सिस्टम निकलता है, और जो नीचे वाला बेसल जो पार्ट है वो रेडिकल है, रेडिकल से रूट सिस्टम निकलता है। तो प्लिम्यूल से जो फर्स्ट लीफ निकलती है उसे कहा जाता है प्रोफिल्स। ये है फर्स्ट लीफ ऑफ प्लांट। एनी प्लांट जिसका भी जो सीड हमने सो किया है उससे जो फर्स्ट लीफ जो निकलेगी उसे कहा जाता है प्रोफिल्स। अनदर वन इज स्केली लीफ। स्केली लीफ कौन सी है कि जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम पढ़ा था, उसमें राइजोम था मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, उसमें था कि जो जो लीफ है वो ग्रीन नहीं है, उसमें क्या है कि ब्राउनिश जो स्केली लीफ जो देखने को मिलते हैं राइजोम में। फॉर एग्जांपल हमने ऐसा कुछ डायग्राम ड्रॉ किया था, उसके ऊपर ये नोड्स एंड इंटर नोड्स देखने को मिले थे और उसमें ऐसे ब्राउनिश जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ये नोड्स के पास, इसे कहा जाता है स्केली लीफ। तो ये ग्रीन कलर की नहीं होती हैं जैसे फोलियर लीफ होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो यहाँ पर जो है ये ग्राउंड से नीचे होती हैं वैसे भी, तो ये स्केली लीफ होती हैं, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प नहीं करती हैं। अनदर वन इज स्पोरोफिलस और स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स किसे कहा जाता है? दिस टाइप ऑफ लीफ हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। स्पोर्स क्या है कि जो ऐसा जो स्ट्रक्चर्स जो कि रिप्रोडक्शन में फर्दर हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल कि जो फ्लावर्स हैं उसमें पोलन ग्रेन को माइक्रोस्पोर कहा जाता है, ओव्यूल को मेगास्पोर कहा जाता है। तो जो स्ट्रक्चर पोलन ग्रेन और ओव्यूल फॉर्मेशन में हेल्प करता है उसे कहा जाता है स्पोरोफिल्स, उन लीफ को स्पोरोफिल्स कहा जाता है। तो आपने 10th क्लास में देखा होगा कि जो पोलन ग्रेन थे वो तो फ्लावर में प्रोड्यूस हुए थे। एक्चुअली क्या है, जो फ्लावर है वो मॉडिफाइड लीफ है वहाँ पर, कि कई बार क्या है जो फ्लावर है वो लीफ ही मॉडिफाई होकर फ्लावर बना है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। तो जो स्पोर बनाता है पोलन ग्रेन जो है किस में बनते हैं, स्टेमन जो पार्ट होता है फ्लावर का, और ओव्यूल जो है, और ओव्यूल क्या है पिस्टिल के अंदर होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जो ये फ्लावर है ये क्या है मॉडिफाइड लीफ है, उस लीफ को कहा जाता है स्पोरोफिल। अब इस फ्लावर को हम यहाँ पे स्पोरोफिल्स कहेंगे क्योंकि यहाँ पर जो ये है लीफ का है मॉडिफिकेशन फ्लावर। द अनदर वन इज कोटिलेडनरी लीफ। कोटिलेडनरी लीफ है। कोटिलेडनरी लीफ क्या है कि ऐसा जब हम सीड को सो करते हैं सॉइल में, तब क्या है कि जो एम्ब्रियो है सीड स्टेज पे क्या है कि जो वो कोटिलेडन है और एम्ब्रियो का अंदर इनक्लोज्ड किए हुए होता है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि जैसे ही वो जर्मिनेट करता है तो जो कोटिलेडन है वो दोनों आइदर साइड जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है उसके वहाँ ऐसे देखने को मिलता है। जैसे कि आपने 10th क्लास में एक्सपेरिमेंट किया होगा जर्मिनेशन ऑफ सीड वाला, तो उसमें था कि हम जब जर्मिनेट करते हैं तो जो कोटिलेडन को ब्रेक कर दें, जो
दो स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, उसे कॉटिलेडन कहा जाता है। उन्हीं जो ग्रीन स्ट्रक्चर को कई बार देखा है कि जब सीड्स वो करते हैं सॉइल से जब ऊपर आता है तो जो कॉटिलेडन है वो बाहर हमें जो टाइनी जो शूट निकल चुकी है मतलब लीफ जो प्रोफिलस जो हम बात कर रहे हैं ये निकल चुके हैं उसके बाहर हमें कॉटिलेडन भी कई जगह देखने को मिलता है। तो वो क्या है, कॉटिलेडनरी लीफ, दीज आर कॉटिलेडन और ये कॉटिलेडनरी लीफ। जब ये ग्रीन स्ट्रक्चर हम इसको बोलते हैं तो ये कॉटिलेडनरी लीफ कहा जाता है। अब देखिए ये क्या है कि जो ये जो प्लिम्यूल जो पोर्शन है एम्ब्रियो का ये शूट सिस्टम ग्रो करवाता है और जो रेडिकल जो पोर्शन है एम्ब्रियो का ये रूट सिस्टम डेवलप करवाता है। तो दीज आर कॉटिलेडनरी लीफ ऑन द बेसिस ऑफ मे बी फंक्शन और एनी अदर रीजन। द टाइप ऑफ लीफ आर फाइव टाइप। फर्स्ट वन इज फोलियर। फोलियर लीफ इज दोज टाइप ऑफ लीफ विच हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। मेनली द जर्नल लीफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रीन स्ट्रक्चर विच हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, दैट लीफ इज कॉल्ड फोलियर लीफ। एंड द सेकेंड वन इज प्रोफिल्स। प्रोफिल्स क्या है कि जो फर्स्ट लीफ, इट इज द फर्स्ट लीफ विच जर्मिनेट फ्रॉम द सीड और प्लिम्यूल विच अराइज फ्रॉम द प्लिम्यूल, उसे क्या कहा जाता है, प्रोफिल्स। अनदर वन इज स्केली लीफ। इट इज अ लीफ विच इज प्रेजेंट इन केस ऑफ राइजोम फॉर एग्जाम्पल। इट इज प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड। दीज आर नॉट इन ग्रीन इन कलर सो इट विल नॉट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। एंड द फोर्थ वन इज स्पोरोफिल्स। एज द नेम सजेस्टेड दिस टाइप ऑफ लीफ हेल्प इन स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन इज द स्पोर्स आर द स्ट्रक्चर विच हेल्प इन रिप्रोडक्शन फॉर एग्जाम्पल माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स आर पोलन ग्रेन। The male structure in flower called stamen form the pollen grain and the female structure of the flower called pistil inside that ovules are formed. That type of structures are called sporophylls because that flower is known as sporophylls because the leaf is modified into flower for the formation of spores. And the last one is cotyledonary leaf. These type of leaf are found when the seed germinates. And this structure converted into green color as we have seen in case of seed that cotyledons are inside the cotyledons reserved food is there but after the germination of seed this cotyledon becomes green and comes out of the ground and present with the first leaf. We can say example is like mango or पी। इस केस में देखने को मिलता है हमें कॉटिलेडनरी लीफ जो ग्रीनी स्ट्रक्चर जो हमें इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है कि जो एम्ब्रियो के साइड में जो रिजर्व्ड फूड मटेरियल के लिए जो स्ट्रक्चर कॉटिलेडन था वो ग्रीन स्ट्रक्चर में कई बार कन्वर्ट हो जाता है कई प्लांट्स में तो उसमें देखने को मिलता है। तो इस ग्रीन स्ट्रक्चर को ही कहा जाता है कॉटिलेडनरी लीव्स। दैट्स ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ लीफ। स्टूडेंट्स इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ कीप शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।